एंड गुड मॉर्निंग टू प्रवीर सर. गुड मॉर्निंग प्रवीर सर. गुड मॉर्निंग जितने मेरे मेंटर हैं. गुड मॉर्निंग विशु सर. गुड मॉर्निंग मनोजन सर. सबको प्रणाम जो बड़े हैं जो सेम एज के हो. हाय हेलो कैसे हो सब कोई मस्त. चलो थैंक यू यार. थैंक यू फॉर वेलकमिंग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. जो आज का जो मीटिंग है ना उसके पहले मैं बताने से पहले पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग का एज क्या है. पहले एज बताना हर कोई यहाँ पे आप लोग का एज क्या है क्योंकि बहुत मेरे को जानना है कि यहाँ का जो क्राउड है जो भी एसोसिएट्स यहाँ पे हैं वो कितने साल के यहाँ पे हैं एक्चुअली. हर कोई प्लीज मैसेज करना कोई रीजन है इसके पीछे में. मैं आपके अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगा. 13 साल के भी लोग हैं यहाँ पे. नाइस. आदिति वर्मा नाम है शायद उनका झारखंड से. आई नो हर. चलिए 13 साल की एज में भी बिजनेस कर रहे हैं लोग. उनका 30 साल की एज में उनका क्या होगा आई डोंट नो. उनका शायद नेटवर्क प्लूटो में होगा मार्स में होगा चांद पे होगा. चलो यार 27 साल की. और एक सवाल और भी है. आपका लेवल क्या है और करते क्या हो. आपका लेवल क्या है और करते क्या हो प्लीज वही मेंशन करना. फॉर ड्यू रिस्पेक्ट रीजन है आपका यहाँ पे लेवल क्या. कितने लोग किस लेवल पे 5% 8% 10 या ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर. प्लीज अपना लेवल यहाँ पे करना और करते क्या हो आप लोग. हाउसवाइफ हो इंजीनियर डॉक्टर क्या हो आप यहाँ पे. स्टूडेंट हो यूट्यूब क्रिएटर वेरी नाइस. स्टूडेंट आपका एज और अब करते क्या हो. डांसर स्टूडेंट. चलिए कोई स्टूडेंट है कोई क्या है कोई स्टार डायरेक्टर कोई स्टूडेंट हाउसवाइफ. चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सर. मैम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है सबसे. यहाँ पे आज के बाद से जो बोले ना कोई कि आप करते क्या हो तो बोलना वेस्टीजियन हो. ये आपको मैं क्रॉस चेक कर रहा था और हर बार मैं बम फोड़ता हूँ ऐसे ही. चलिए मैं आप लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ. अभी मेरे एसोसिएट्स में भाई दिसंबर 4 गाड़ी निकलने वाली है. पहला गाड़ी जी पहला गाड़ी यहाँ पे होगा कुशल अग्रवाल. साथ में होगा पीयूष पोद्दार. फिर चिराग मोदी. चौथा कौन होगा बताइए आप मेरे को. जल्दी बताइए चौथा कौन होगा. चौथा कौन होगा जल्दी बताइए. अब देखिए यहाँ पे जो मेरे एसोसिएट हैं वो जानते हैं इस फॉर्मूला में अपना चुका हूँ. जो ऑलरेडी सर के बैनर में जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं आप नहीं जानते हो. सर चौथे आदमी होंगे आप खुद. मैम होंगे आप खुद. मेरे को मैं तो घुमाऊंगा अपना गाड़ी. आप कब घुमाओगे अपना गाड़ी. अभी क्रॉस चेक किया अभी भी आप फेल हो गए. तो आप फेल होने के बिजनेस में नहीं हो पहली बात ये जान लो. यहाँ पे कोई भी आगे इस जीवन पे इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हुआ है. सामने यहाँ प्रवीर सर यहाँ साक्षात दर्शन दे रहे हैं आपको है ना. तो आप समझो यहाँ पे एक इंसान के पास में जो उनका हम स्टोरी जानते हैं साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था. वो 8 लाख गाड़ी लिया अब 70-60 लाख गाड़ी में घूम रहा है और तीसरा गाड़ी अबाउट टू बुक. आप सोचो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे. मैं एक शो देखता हूँ अनुपम खेर जी का सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं अपने अपने फील्ड में. वो कुछ भी हो सकता है. तो ये फील्ड भी ये चीज है कुछ भी हो सकता है राइट. इंस्पिरेशन कहीं से भी लो और इंस्पिरेशन जब तक लेती रहो जब तक आप इंस्पायर्ड लोगों को करना ना स्टार्ट कर दो ठीक है. आज जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है यहाँ पे गुड स्ट्रक्चर फॉर गुड इनकम जैसे हम लोग जानते हैं एकदम समझ में आएगा आप लोग. मैम आप नए हो पुराने हो डजेंट मैटर. बस नोट्स बनाना और सबको उससे ये चीज है यहाँ पे. प्लीज काइंडली कैमरा ऑन करना यहाँ पे प्लीज. आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मतलब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे. और कैमरा ऑन करना तब जब आप टी शर्ट या अच्छे से बैठे हो. लेट की मीटिंग में अटेंड करना. और मैं एक नया हम लोग कुछ वेस्टीज में 3-4 लोग ऐसे हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं. आप बेड देते हैं हम लोग बेड बिस्तर और साथ में मसाज पार्लर भी हम लोग ऑन किए हैं. कुछ है यहाँ पे वेस्टीज में हम लोग 5-6 आदमी ऐसे हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं. तो आप जो जो लेट से सुन रहे हो लेट से सुन रहे हो सो के सुन रहे हो तो मैं बेड भेजवा देता हूँ आप लोग के पास में है ना. और या आपको और बदन दर्द कर रहा है तो मैं आगे खुद आपको मसाज करता हूँ या किसी को भिजवा दूंगा है ना. तो ये मेरे इंडस्ट्री के एक मित्र हैं वो भी ये बात सेम बोलते हैं. मैं भी सेम बात बोलता हूँ. अच्छा लगता है. डुप्लीकेसी का जमाना है ना बिजनेस में तो बोलना पड़ता है. तो प्लीज काइंडली जितने भी लोग हैं प्लीज बैठ के कैमरा ऑन कर लो. टी शर्ट नहीं पहलो डाल लो और नोट्स बनाइए. दिमाग धोखा देगा. 10 साल के बाद में क्या कर रहे होगे ना आपको याद नहीं होगा. आज जब कर रहे हो ना आफ्टर 10 ईयर्स बाद आपको याद नहीं होगा. अगर स्पेशल डे है तो नहीं है तो हमेशा याद रखिए ना यहाँ पे ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या बोला गुड स्ट्रक्चर फॉर गुड इनकम. अब बहुत लोग देखो मैं ये मीटिंग ना 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ. मैं क्या करूंगा स्ट्रक्चर बनाऊंगा
बोलूंगा इतना पीवी इस लाइन में कर लेना, इतना पीवी इस लाइन में कर लेना, ये साइड वॉल्यूम होता है, इतना पैसा आ जाएगा। पर वो गुड स्ट्रक्चर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? हम लोग देखो बहुत लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन समझ रियलाइज नहीं करते कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे हैं। डुप्लीकेसी का बिजनेस है याद रखना, लेकिन समझ के करने का डुप्लीकेसी का बिजनेस है याद रखना। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिट्टो मतलब इनवाइट, जैसे मैं इनवाइट करता हूँ वो लोग इनवाइटिंग छाप देते हैं सामने में, मान लो रामू है, कल श्याम आएगा, कल घनश्याम आएगा, कल सीता आएगी, कल गीता आएगी, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक लेबर है, एक हाउसवाइफ है, आप कैसे संभालोगे उसको? आप लेबर को जैसे इनवाइट किए थे आप वैसे इंजीनियर को इनवाइट कर देते हो, आप सक्सेसफुल हो पाओगे क्या? ये बिजनेस है स्मार्ट लोगों का। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे समझाता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, सोनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, राइट, लोहार को बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, पता होगा। तो हम लोग को नेटवर्कर को क्या बोलते हैं पता है? शब्दों का जादूगर, याद रखना। अगर शब्दों के जादूगर हो ना तभी इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी सक्सेसफुल होंगे आप। आपको बोलना आना चाहिए। कल मेरे को बोलना आता नहीं था, मैं 2 साल में बोलना सीख गया सर के साथ में रह रह के। सिंपल था लॉजिक है, कोई मुश्किल है क्या? यहाँ तो गूंगा भी बोलता है सर मैम, यहाँ जिसका जिसको बोल नहीं सकते हैं वो भी यहाँ बोलता है चेक दिखा दिखा के। खैर हम लोग तो बोल तो सकते हैं कम से कम, और ऐसे चेक बन जाता है यहाँ पे, मैंने तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे शब्दों के जादूगर को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ वर्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, वर्ड स्मिथ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ना शब्दों का जादूगर बनना पड़ेगा हमेशा। और ये जो मीटिंग है ना, माइंड भी आपको पता हो लेकिन रियलाइज बहुत होगा। जो नए लोग यहाँ पे है ना, जितने बताए 8% 10% मैक्सिमम लोग थे यहाँ पे, आप सीखोगे इस प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म क्या है यहाँ पे, है ना। आज बहुत लोग जानते हैं कि वेस्टीज में आते ही मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, प्लान शो करूंगा और मेरा पैसा ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ये बिजनेस होता ना तो LIC एजेंट्स, प्लीज डोंट माइंड को यहाँ करते होंगे, तो LIC एजेंट्स ना वेस्टीज में मिलीनियर होते हैं एक एक साल में। वहां पे काम क्या होता है इंश्योरेंस का, मैं किया हूँ सर 2 साल याद है मेरे को, 2010 11 12 3 साल में वहाँ ये किया हूँ कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस में, मुझे पता है। एक बार प्रीमियम करवा दो हर साल तो प्रीमियम आएगा ही आएगा। पर यहाँ पे ऐसा बिजनेस नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, ये आपका यहाँ पे आप एजेंट नहीं हो इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे, वरना अगर LIC के एजेंट होते तो आपका बिजनेस आपका बस ज्वाइन करवाते पैसा आना स्टार्ट हो जाता। बात समझना सबको, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ सबको, यहाँ पे स्वर्ग सबको जाने का मन करता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है ना। लाखों का इनकम चाहिए सर कैसे होगा, सर 10 लाख का इनकम चाहिए कैसे होगा? सर आप लोग ना बात का स्टोरी देखते हो, जो स्ट्रगल फेज होता है किसी का हार्डवर्क होता है ना वो देखते नहीं। और ये हर प्रोफेशन में सेम ही लोग करते हैं। क्रिकेट में हो विराट कोहली कितना अच्छा सेंचुरी मारा, तो वो क्या 25 करोड़ का फ्लैट लिया है वो मुंबई में, और उसके पीछे कितना मेहनत किया होगा आपको पता नहीं होगा या किए होंगे जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पे गुड स्ट्रक्चर करने के लिए ना, गुड इनकम करने के लिए स्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा ना वो मैं डेप्थ में बताऊंगा आपको। ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं है, 50 मिनट्स टिक नहीं पाओगे ना यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है। 50 मिनट यहाँ टिक जाओगे और अपने अपने डाउनलाइंस को अगर बुलाए नहीं हो प्लीज बुला लो, क्योंकि ये बहुत चीज लाइव का मजा लाइव होता है, रिकॉर्डिंग का मजा रिकॉर्डिंग में ही होता है याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कि बहुत लोग अगर मार्केट में देखोगे आजकल स्टॉक मार्केट बहुत चल रहा है, लेकिन जब से हर्षद मेहता का स्कैम 1982 सीरीज निकला था तब से बच्चे बच्चे लोग ना मतलब क्या बोलते हैं बच्चे बच्चे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को आज तक मैं प्लान दिखाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप करते क्या हो? सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं कितना कमा ली? 2-3 करोड़। अरे नहीं सर अभी तो लॉस में चल रहा हूँ, राइट। क्यों होता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करने के लिए भी ना आपको पैसा चाहिए, सीखना पड़ेगा तब जाके पैसा कमाते हो। मैं ये बात क्यों उठा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या एक्चुअली में। पर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेस्टीज में क्या होता है, आप एक बार यहाँ पे आके एक अच्छा नेटवर्क बना लिए प्रॉपरली, जिंदगी भर के लिए आपका लाइफ वैल्यू बढ़ जाता है, सब चीज चाहिए आपको मिल जाता है, आपके लाइफ में जो भी आपको ख्वाहिश है रिजल्ट है वो आपको मिलता ही मिलता है। आज मैं भी तो चाह के स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लेता पहले, या क्रिप्टो करेंसी चला हुआ बहुत, कौन कौन करते हैं यहाँ पे भाई पता नहीं है ना। बहुत लोग यहाँ पे मुझे फोन आता है सर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा ये करूंगा, पर सर कितना हाई रिस्क है वो भी, वो बाद में कर लेना, वेस्टी से पैसा कमा लो। आज मैं भी तो करता हूँ सर, वेस्टी में पैसा कमा के मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता हूँ पक्का बात है। लेकिन जो पैसा कमा रहा हूँ ना, जितना भी कमा लो पैसा, वो पैसा देखो कि नेटवर्क का हो देखा जाए फ्री का पैसा है, मेहनत का पैसा बोल सकते हो, पर इनडायरेक्टली देखोगे आप जॉब में कितना, अब 10 साल जॉब कर रहे हो कितना आपका सैलरी होगा, 50,000 60,000 70,000 1 लाख, वो 2 लाख या 1 लाख बनने में कितना साल लग जाएगा आपका। पर वेस्टीज में बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है, जो वेस्टीज यहाँ पे 2 साल कर लिया
सर मैं 2 साल बोल रहा हूँ, 3 साल बोल रहा हूँ, 1 साल में क्या होगा, माइंड भी आप 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो। हर लोग तो यहाँ पे देखो, ये बिजनेस में क्या है, कोई भी कमा सकता है, हर कोई कमाएगा नहीं। मैं साफ बोलता हूँ लोगों को, कोई भी ऊपर जा सकता है लेकिन हर कोई ऊपर जाएगा नहीं। आज प्रवीण सर का कुछ और लाइफ में माइंड में चलता होगा, मेरा कुछ और चलता होगा, पीयूष जी का और कुछ चलता होगा, जितने भी लोग यहाँ पे किसी और का चलता होगा, सबका माइंड अलग अलग है। अब कौन कैसा माइंड लगा रहा है इस बिजनेस में, वैसे यहाँ ग्रो करेगा, सिंपल सा बात है ना। आज मेरा 10 महीने का इनकम था 30,000, 29,000, 33,000 के अप्रोक्सीमेटली, है ना। पर 12वें महीने का इनकम हो गया मेरा 70,000 का, 13 महीने का इनकम हो गया 96,000 रुपीज का, आपका 14 मंथ का इनकम हो गया 1,16,000 रुपये का। सोचिए, ओ सुने ना पीयूष बदसर बोलते हैं एक मीम्स है, जज्बात बदल दिए, दिन बदल दिए, क्या बदल दिए, वो जो मीम्स बना हुआ है, वही मेरे साथ में हुआ था। बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी वेस्टेज में होता है ना। अभी प्लानिंग उम्मीद से बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ आने वाले कुछ महीनों में पूरा भी हो जाएगा जो मेरे लाइफ में यहाँ पे टारगेट है मॉनेटरी टर्म में। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कंपाउंडिंग का बिजनेस है, 1-2 साल के ठीक से दे दिए ना, आपको यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता है। और मैं एक चीज और बताऊंगा, गुड इनकम करने के लिए कैसे गुड स्ट्रक्चर बनता है। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बताओ इस इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं, को बता पाएगा मेरे को फेल क्यों होते हैं इस इंडस्ट्री में, जल्दी बताइएगा इस इंडस्ट्री में लोग फेल क्यों होते हैं, लोग नए लोग खासकर जो टिक जाते हैं, टिक जाते हैं, पैसा कमा के निकल जाएंगे वो लोग। बहुत लोग फेल हो जाते हैं, पेशेंस नहीं है, अच्छा, और सबका मैसेज यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, सीखते नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का बिजनेस ही नहीं। पहली बात तो स्टार्टिंग में चाहिए होता है, आपका बात एकदम सही है, मोटिवेशन जस्ट लाइक अ बलून, हवा जब तक गुब्बारा में रहेगा तब तक हाईली रहोगे, जहां गैस खत्म बलून का वहां डाउन। मोटिवेशन से काम मत कीजिए, पर्पस के लिए काम कीजिए, आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सर यहाँ पे नेट इस प्लेटफॉर्म पे लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका मेन रीजन है आप लोग उसके लाइफ में ना क्लियर नहीं करते, वो लोग आते क्यों है यहाँ पे। बहुत लोग आते हैं सोचते हैं कि मैं आया 100% लोग को मैं बोलूंगा 100% लोग ज्वाइन कर लेंगे, कभी भी नहीं होगा। हर लोग डॉक्टर नहीं, हर लोग इंजीनियर नहीं है, हर लोग वेस्टीज भी नहीं करेगा, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ ये बात लोगों को, ये माइंड में फिट कर लो, लॉ ऑफ एवरेज। आप एक पेट्रोल पंप में अगर जाते हो तो हर लोग 1,000 रुपये का पेट्रोल डीजल नहीं भराता है यहाँ पे, हमेशा याद रखना यहाँ पे, है ना। कोई 50 का भी, कोई 100 का भी, मुझे याद है यार जब एक टाइम में 50 रुपए का जाता था, एक टाइम ये भी था जब मैं अलग स्टेट में था, 20 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया हूँ स्कूटी में, को बढ़ाते हो गए यहाँ पे, और मेरे दोस्त तो बढ़ाते थे 500 रुपए। क्यों, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, राइट। तो इस बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेज है, उनको बताओ भाई हर लोग आप जाते के साथ में हर लोग आपको ज्वाइन नहीं कर लेंगे, राइट। तो ये बिजनेस इसलिए बहुत तो फेल हो जाता, सबसे पहला रीजन यही है, लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं है यहाँ पे, राइट। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, समझना मेरी बात, यहाँ पे कुछ मैं ड्रॉ करके बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो मेरा आपका वो दिख रहा होगा, राइट, मैं ये लिख नहीं सकता, पता नहीं क्यों क्या हो गया ये, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब आप आते हो ना तो आपका स्ट्रक्चर मेन होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग स्मार्ट है यहाँ पे, आई नो बहुत तो काफी यहाँ पे स्मार्ट है, लिख लेना और कैमरा ऑन करके लिख लेना यहाँ पे। कहने का मतलब ये है सर मैम, यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ, वेस्टी सिस्टम ये बोलता है कि 6 लोग लेग पे लाइन पे काम करना, ABCDEF, हमेशा ये याद रखना। अगर नहीं भी होता है ना तो एटलीस्ट 3-4 लेग तो जरूर खोलना, 3-4 लेग से आप कम खोल रहे हो यहाँ पे तो आप फ्यूचर में गलती कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि भाई जल्दी बता कितना करने से कितना रुपया मिल जाएगा, कैलकुलेशन बता दे मेरे को, यहाँ से निकल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। सर गलत सोच रहे हो आप लोग, इनकम अगर ग्रेट चाहिए, गुड चाहिए, तो स्ट्रक्चर भी गुड चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए बहुत चीज आपको करना पड़ेगा, वही मैं आधी घंटा में 30 मिनट में 40 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, उस बात को समझना। कम से कम 3-4 लाइन में तो आपको स्टार्टिंग से काम करना है, लिख लो जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, अगर 6 से ज्यादा आपके पास बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक के नीचे डाल देना। किसी सवाल होगा सर मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, 10 लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं सर मैम, जो आप 6 लाइन खोले उस नीचे में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको नीड लगता है, वरना 3-4 लाइन के ऊपर में जरूर काम करो डे 1 से, फ्यूचर में आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे काम करो ही मत, है ना। चलिए, अब यहाँ पे बहुत हम लोग यहाँ पे हम लोग को हमेशा एक बार याद रखना, जितने भी यहाँ लोग हो ना, आज कसम खा लो 2-3 चीजों को मैं बताने जा रहा हूँ, टॉपिक मैं कवर करूंगा, 100 PV से नीचे करना ही नहीं है। एक बात बताओ, जिसको भी पैसा का प्रॉब्लम है, मेरे को भी टाइम में था, सर को भी था यहाँ प्रॉब्लम, राइट, पर हम लोग प्रॉब्लम मिटाने के लिए तो यहाँ पे आए हैं ना। आप सोचो, मान लीजिए आपका कैपेसिटी 60 PV का है,
तो 40 पीवी क्यों नहीं आप शेयर कर देते हो अपने रिलेटिव को? मैं रिटेलिंग में वर्ड यूज ही नहीं करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। आप एक बार शेयर करोगे उनको अच्छा लगेगा, वापस मांगेंगे आपसे, क्या पता बिजनेस में आ जाए, राइट? हमेशा 100 पीवी आप करोगे तो आपको 2500 का वाउचर भी आपको मिलेगा, प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा, डिस्काउंट भी आपका बचत होगा आपका एज अ कंज्यूमर यहाँ बहुत ज्यादा। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे स्टार्ट लोगों को समझाओ वाइज 100 पीवी कंसिस्टेंसी स्कीम इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सीएनसी स्कीम 100 पीवी का, वरना 60 पीवी तो है ही, लेकिन उससे नीचे कोई करो मत। अगर लंबा घोड़ा बनना है यहाँ पे, लंबा आपको यहाँ पे खेलना है, देखो मैच में ना खेल में खिलाड़ी चाहिए, तो अगर खिलाड़ी नहीं होना तो खेल नहीं पाओगे यहाँ पे, और ये खिलाड़ी का बिजनेस है। आप मानो या नहीं मानो, जितने भी लोग सुन रहे हो मेरे को, शायद यहाँ पे जितने भी आप लोग हो सब स्मार्ट है, 100 पीवी से काम नीचे करो ही मत अगर स्ट्रक्चर अच्छा करना है और इनकम अच्छा चाहिए तो। मैं आगे आपको रीजन बताऊंगा इसका यहाँ पे, ठीक है? और हम लोग जानते हैं इस बिजनेस का 3 R's है, R for राजस्थान, 3 R's, 3 important R's इन दिस बिजनेस। मैं पहले बहुत दफे बता चुका हूँ, सर लोग बता चुके हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड रिपर्चेज। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रिटेनिंग और रिपर्चेज। अब बड़ा इनकम वेस्टीज में तभी आएगा जब आपका 3 R's कंप्लीट होगा, हम लोग भूल जाते हैं, राइट? बहुत लोग यहाँ पे लेवल अचीव कर लेते हैं तो रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना, प्लान शो दिखाना। आप जिस भी लेवल पे हो, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, आपको इन्वाइट करना कोई छोड़ना नहीं है, लिस्ट बिल्डिंग करना छोड़ना नहीं है, राइट? मैं बताऊंगा आगे में। जैसे याद है क्रिकेट में खेलने के लिए, क्रिकेट मैच जीतने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? अच्छा फील्डिंग, अच्छा बॉलिंग, अच्छा बैटिंग, और कुछ है क्या बताइए? जीने के लिए क्या चाहिए होगा? आप सोते हो, जगते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, काम पे जाते हो, या पढ़ाई करते हो, या खेलते हो, या आपका रूटीन है ना, यही आपका जो 3 चीज क्रिकेट में है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, वही 3 चीज आपको वेस्टीज में करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड रिपर्चेज, तो ही आपका स्ट्रक्चर बढ़िया होगा। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग नए हैं उनको ये बात पता भी नहीं होगा, बहुत लोग रियलाइज भी नहीं होगा, और जो ओल्ड हमारे जो जितने भी मेंटर्स लीडर्स हैं उनको पता होगा ये बात, और वो कर भी रहे होंगे, तभी तो ओल्ड मेंटर हैं। अब सोचो क्यों होंगे वो, राइट? और याद रखना रिक्रूटमेंट मतलब होता क्या है। रिक्रूटमेंट हमेशा याद रखो, जैसे भी आप लोगों को ज्वाइनिंग कराते हो ना, उसका 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट 6 महीना। सर मैम लिख लेना, जब भी आप लोगों को ज्वाइन कराते हो, रिक्रूट करते हो यहाँ पे इस बिजनेस में, प्लेटफॉर्म पे, आपका 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, याद रखना। और रिक्रूटमेंट में 6 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो, राइट माइंडसेट। रिक्रूटमेंट में ये सब कुछ आपका एक ग्रेट इनकम देगा, ग्रेट स्ट्रक्चर के साथ में। आपको लास्ट पे समझ में आएगा कि हर एक पॉइंट रिलेटेड है, बिना फालतू का ना आपके पास टाइम होगा, ना मेरे पास टाइम है आज के दिन में, ना सर के पास टाइम है, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहला होना चाहिए रिक्रूटमेंट में राइट माइंडसेट, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंडली होता है डेवलप स्किल्स, स्किल्स को बढ़ाओ, मैं बताऊंगा इसको कैसे करना, क्या करना है, ठीक है? तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट नॉलेज, भाई प्रोडक्ट के बिजनेस में हो, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फोर्थ होता है सर राइट मेंटर, राइट मेंटर से रिक्रूटमेंट आपका तेज होगा, मैं बताऊंगा मैं आगे। फिफ्थ होगा यहाँ बींग कंसिस्टेंट, बींग BEING, बींग कंसिस्टेंट। और लास्ट होता है टीम वर्क। प्लीज स्पीड में करना, मैं रिपीट नहीं करूंगा आज तो टाइम की शॉर्टेज है। राइट माइंडसेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना, समझाना पड़ेगा जो भी यहाँ पे जो अपलाइन है उनको, अपने नए लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे क्या काम करना है। रिजेक्शन भी फेस करोगे, अचीवमेंट भी यहाँ मिलेगा, अप एंड डाउन भी यहाँ पे होगा। पहले ही राइट माइंडसेट डाल दो कि यहाँ पे आए क्यों, 2 साल 6 महीना क्लियर कर दो उनका, राइट माइंडसेट उनका क्रिएट हो जाएगा। स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, कैसे इन्वाइट करना, कैसे लिस्ट बिल्डिंग करना, कैसे प्रेजेंटेशन करना, कैसे फॉलोअप करना है, याद रखना ये चीज आपको करना है, डेवलप स्किल्स करना है। तीसरा क्या करना है, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लोगे सर तो क्या होगा? कोई बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप दे दोगे कैल्शियम, बताओ ये हो पाएगा क्या? किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आप फ्लेक्सवेल नहीं देके आप दे दिए कैल्शियम, आपको प्रोडक्ट नॉलेज है ही नहीं। किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, आप दे दिए नोनी, क्या होगा आपका, पता है ना? तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। प्रोडक्ट नॉलेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप बिजनेस को बढ़ाओगे और इनकम बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है? फोर्थ होता है राइट मेंटर। आपके डायरेक्ट अप्लाइन कभी भी आपके मेंटर नहीं होते हैं, सॉरी टू से। हाँ, आपके डायरेक्ट अप्लाइन ऑलरेडी यहाँ पे अगर लाखों का इनकम कमा रहे हैं, बहुत साल बिता चुके हैं, वो एक्सेप्शनल केस है।
आज मान लो प्रवीर सर को यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ डायरेक्टली, तो मैं डे वन से डायरेक्ट अप्लाइंग भी है और मेरे वो मेंटर भी है, सक्सेसफुल है वो, कहने का मतलब। अब बहुत लोग होता है 8% में डाउनलाइन होता है, 8% में 5% में, वो आपके मेंटर हुए क्या? नहीं सर, वो आपके डायरेक्ट अप्लाइंग है, आपके सर हैं, सीनियर हैं, मैम है, लेकिन आपके मेंटर वही होंगे जो यहाँ सक्सेसफुल हैं। तो राइट मेंटर को चूज करो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। हम लोग भटक जाते हैं और बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है, अपलाइन भी क्या करते हैं, जो डायरेक्ट जो स्पॉन्सर करते हैं वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। सर प्रवीण सर हैं, अलग अलग अपलाइंस हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे मिलवाओ। असर करते हैं ना सर, इतने बड़े मेंटर होने के बावजूद भी आज जो भी सक्सेस सेमिनार में हम लोग का नाम रिकॉल करते हैं और बात करवाते हैं, भले एक मिनट क्यों ना हो, कि लोगों का पहचान मिले। आज जो भी हम लोग का यहाँ पहचान मिला ना, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रवीण सर, मेहनत तो हम लोग के हाथ में है। इस प्लेटफॉर्म पे पहचान आपके अपलाइन मेंटरी आप उदला सकते हैं। आज बहुत लोग जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रवीण सर, विश्व सर, बख्शी सर, एज हम लोग सब जानते हैं इस बात को लेकर, राइट। तो ये चीज करना, हमेशा राइट मेंटर चूज करना है और हमेशा इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना है, बीइंग कंसिस्टेंट। अमेजन रिवर का नाम पता ही है, सॉरी नाइल रिवर का, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कैसे बना? हर एक गुफा में हर 10-8 सेकंड का पानी का ड्रॉप गिरता है, पर आज दुनिया का सबसे बड़ा वो रिवर बन गया, राइट। अगर वो पानी का ड्रॉप उस गुफा में बोलता कि नहीं मैं 10 मिनट बाद गिरूंगा, 1 घंटा बाद गिरूंगा, आज तो गिरूंगा ही नहीं, मेरी मर्जी, तो वो आज दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बनता क्या? तो बीइंग कंसिस्टेंट, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आपको आगे जाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। और लास्ट होता है टीम वर्क, आपको एज अ टीम, एज अ यूनिटी यहाँ पे काम करना है, राइट। आपके अपलाइन फोन किए यहाँ पे, सर मेरे को मॉर्निंग मैसेज भेजेगा, शुभमा का मीटिंग है, आपको याद है ना? जी सर, ऑलरेडी सर, तुरंत वो मुझे रिस्पॉन्स दे, मेरे को तो रिस्पॉन्स देना है, डिले नहीं करना है, टीम वर्क का काम है ना। और टीम वर्क हमेशा वाइस वर्सा होता है, अगर अप्लाइंग कर रहे हैं ना डाउनलाइन को भी करना पड़ेगा, अगर अप्लाइंग आपको कॉल कर रहे हैं तो डाउनलाइन को भी कॉल करना पड़ेगा, ये सेल्फलेस बिजनेस है, याद रखना। तो ऐसे आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका बढ़ता है, याद रखना, हमेशा याद रखना। और लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। बहुत सोचते हैं ना यहाँ पे कि वेस्टीज को ज्वाइन किया हो, जरा वेस्टीज को दिखाया कौन? शायद आप दिखाए हो, मैम आप दिखाए हो, तो लोग आपको ज्वाइन करते हैं देख के। कंपनी का हेड ऑफिस देखने पहले पहला प्रेजेंटेशन में कोई भी गया नहीं होता मैक्सिमम, अभी तो ऑनलाइन का बिजनेस हो गया है हम लोग के, तो हम लोग लगभग 98% हम लोग, या बोलो 100% ऑनलाइन बिजनेस करते हैं हम लोग आज के दिन में, मैं करता हूँ, राइट। तो बहुत लोग तो जानते ही नहीं, बहुत लोग परचेस करने के लिए हम लोग ऑफिस में भेजते हैं, या वेस्टीज बेस्ट डील का हम लोग का जो डे होता है 11 हर एक महीने को, तो हम लोग स्टोर टूर करवाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, तब नॉलेज मिलता है हम लोग। लेकिन आज के दिन में कोविड की वजह से हम लोग क्या ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ये अच्छा टाइम सेव होता है बेसिकली। सेकेंडली क्या होता है, रिटेंशन, कैसे आप रिटेन करोगे, याद रखना। रिटेंशन में आपको करने के लिए 3 लोग मिलेंगे इस बिजनेस में, लिख लेना। पहले मिलते हैं यहाँ पे रिटेंशन में कंज्यूमर, लोग मिलेंगे, परचेस करेंगे हर महीने लेकिन काम नहीं करेंगे, ये सब प्रवीण सर का बताया हुआ है, जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो मुझे याद है, राइट। दूसरा कौन होता है, एक्टिव और इनएक्टिव लीडर्स, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी किया कभी नहीं किया। तीसरा होता है नेटवर्कर और वेस्टिजियन, जो भी बोल लीजिए, आपको काम कंज्यूमर है उसको कंज्यूम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, परचेज ही करे, तुमसे पीवी तो आ रहा है, हेल्प तो होगा आपके साइड में या मेन सेल्फ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव एंड इनएक्टिव में जितना वो एक्टिव इनएक्टिव है ना, उतना 20-10% टाइम दो उनके पास, लेकिन बाकी टाइम मेन टाइम आप डाइवर्ट करो यहाँ पे अच्छा इनकम करने के लिए, नेटवर्कर जो बनने के लिए। आज मैं जिसको भी ज्वाइन करवाता हूँ ना सर, मैं डायरेक्टली बोलता है कि भैया वेस्टिजियन फुल टाइम करोगे कि नहीं करोगे, कितना घंटे तुम दे पाओगे, मैं इंटरव्यू लेके उसको ज्वाइन करवाता हूँ, मैं करवाता ही नहीं। 10 गधे को पालने से अच्छा है ना, 100 गधे को पालने से अच्छा है ना 10 घोड़े को पालो, वो 100 घोड़े ऐसे पैदा कर देंगे, माइट भी 4 महीना ज्यादा लग जाए। मैं इस फॉर्मुले में काम कर रहा हूँ अभी, है ना, मेरे को नेटवर्कर चाहिए भाई, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ। 1 लाख का इनकम बनता है क्या आपका 1 घंटा काम करके? सकते हो, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे बीइंग अ नेटवर्कर, यहाँ काम करने वाले लोगों को मेन पकड़ना है जिसमें भूख है। माइट भी हो कि स्टार्टिंग में 4-5 घंटा नहीं दे, पर जो काम करना चाहे उन जैसे लोगों को पकड़ो यहाँ पे, ठीक है। आज बताओ, मेरे कंपनी के ऐप में दिखाता है 7,000 लोगों का नेटवर्क है, राइट। आज 7,000 का नेटवर्क मैंने बनाया जो 2 साल में, उसमें से मैं 300-400 के साथ में काम कर रहा हूँ, 300-500 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि 300-500 लोग यहाँ नेटवर्कर है, 7,000 लोग नेटवर्कर नहीं है। तो चूज करो यहाँ पे कौन कितने क्या है क्या नहीं है। और लास्ट होता है यहाँ पे क्या,
रिटेंशन के लिए मैं आपको और बात ही बताऊंगा यहाँ पे, कैसे आपको नए लोग, रिटेंशन मतलब क्या होता है, कैसे आपको नए लोग के साथ में काम करना है सर। मैम रिटेंशन मतलब, रिटेंशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको 50 लोग ज्वाइन किए, नेक्स्ट मंथ में 40 लोग छोड़ दिए, 2 महीने में 40 लोग छोड़ दिए, कभी भी आप आगे बढ़ पाओगे क्या? खैर ज्वाइनिंग हो रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है। रिटेंशन मतलब होता है कि नए लोग के साथ आप कैसे काम करोगे ग्रेट इनकम के लिए। याद रखना जो भी मैं मीटिंग अभी दे रहा हूँ ना, वो ग्रेट इनकम के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट में समझ में आएगा मैं मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है? पहले मैं पासा नहीं फेंकता हूँ, लास्ट में फेंकूंगा पासा आपको, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में, राइट? अब यहाँ पे देखो रिटेंशन के लिए आपको हमेशा देखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो। यहाँ पे पहला होता है गोल सेटिंग। मैं एकदम स्मूथ आधा घंटे में समझा दूंगा आपको। गोल सेटिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, राइट? वो जो भी लोग नए लोग आते हैं ना, उसको गोल सेटिंग करवाओ सर, ये तीनों मिड टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। आप नहीं करवा रहे तो गलती है। और हमेशा याद रखना, सेकंड पॉइंट लिख लो, रिलेशनशिप विथ योर एसोसिएट और डाउनलाइन, जो भी आप बोलते हो, डाउनलाइन को एसोसिएट भी बोलते हैं, बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, राइट? ये मेरे एसोसिएट है मतलब पार्टनर है, ये मेरे डाउनलाइन है, अच्छा लगता ही नहीं, डाउनलाइन समझो, वर्ड में निगेटिव लगता, पता नहीं क्यों मेरे को, राइट? तो ये चीज आपको बोलना है एसोसिएट। हमेशा अपने एसोसिएट के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा करो, हमेशा अच्छा करो। रिटेंशन का मैं दूसरा आपको कीवर्ड बता रहा हूँ सर। मैम तीसरा होता है यहाँ पे याद रखना, सक्सेस स्टोरी अप्लाइंग एडिफिकेशन रेगुलर कम्युनिकेशन, लिख लो सक्सेस स्टोरीज अप्लाइंग एडिफिकेशन। तीसरा होता है रेगुलर कम्युनिकेशन। सर मैम जब भी नए लोग आते हैं ना, याद रखना सीइंग इज ओनली बिलीविंग, जो दिखता है देख के ही ट्रस्ट आता है। जो आप देखते हो आज, मान लो कि आज कोई यूथ है, मैं उसके यूथ का बहुत सारा वीडियो से दिखा देता हूँ, अब तो अपना वीडियो दिखा देता हूँ, देख भाई एक टाइम ही नहीं था यूट्यूब वगैरह पे, सर लोग का देन है, अभी तो अपना दिखा देता हूँ, देख देख भाई सक्सेस स्टोरी, अब क्या चाहिए, जितना जागता भगवान सामने खड़ा हुआ है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर लोग के लिए, राइट? वो दिखा देता हूँ। अब बहुत लोग यहाँ पर भी गलती क्या करते हैं, है यूथ दिखाता है यहाँ पे सिद्धार्थ सर का अचीवमेंट, यूथ को यूथ का आप वीडियोस दिखाओ, सक्सेस स्टोरी बताओ, जो 40-50 साल के लोग हैं, 30-35 साल के लोग हैं, उनको सिद्धार्थ सर का दिखाओ, प्रवीर सर का दिखाओ, राइट? यहाँ पे जो यूथ है, यूथ का अचीवमेंट दिखाओ, बहुत सारे यूथ आइकन अपने इंडिया में, उनका दिखा दो, ठीक है? और दूसरा मैं क्या बोला, अपलाइन एडिफिकेशन, अपने अपलाइन को हमेशा एडिफाई करो, लेवरेज करो, हाइक करो, कि मेरे प्रवीर सर मेरे अपलाइन है, अभी प्लान शो करने यहाँ पे आएंगे, प्लीज आप जब 8:30 बजे यहाँ पे आओगे ना, तो काइंडली यहाँ पे आराम से फॉर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। वो आज बहुत ही इस बैकग्राउंड से निकले हुए, आज बहुत लोगों का, कम से कम लाखों लोगों का उनके पास में टीम है, और बहुत लोगों को आज वो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल बनाए हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आपको बताने वाला हूँ सर, बताने वाले। तो प्लीज 8:30 बजे मैं आपको बोल रहा हूँ, 8:25, 8:20 तक आप प्लीज वहां पे आ जाना कैमरा ऑन करके, और प्लीज कैमरा ऑफ मत करना, और सर जो बताते हैं उसको सुनना, समझ लो मेरा बात। अब सर को कर दिया, सर का चीज बता दो, सर आज 16-20 कंट्री में घूम चुके हैं, जगुआर कार है, ये है वो है, अब सामने वाला मजाकिया भी होगा ना, वो ऐसे बैठे सुनेगा सर को। और क्लोजिंग होने एडिफाई करोगे ना अपने अपलाइन को, तो आपका क्लोजिंग भी जल्दी होने का चांसेस है, 100 में 90 लोग हाँ बोलेंगे मेरे हिसाब से, मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, है ना? मैं बहुत लोगों पे बिल फाड़ता हूँ अपने अपलाइंस में या वेस्टीज में, जो भी लोग सक्सेसफुल है, सब मेरे दोस्त हैं, मैंने बताया भी था, ऐसे ज्वाइनिंग ऐसे दिखा के बहुत ज्वाइनिंग करवा दिया, सिंपल से बात है यहाँ पे। तो अपलाइन को एडिफाई करो यहाँ पे। और तीसरा चीज होता है रेगुलर कम्युनिकेशन, अपने टीम से हमेशा रेगुलर कम्युनिकेट करो। हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं हमेशा, मैं इसके ऊपर भी आगे बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और चौथा चीज होगा लीड पर्सनली एट ऑल टाइम्स। जब तक आप लोग का मान लो एक टीम है, मान लो पीयूष पोद्दार जी का टीम है, मेरा डायरेक्ट डाउनलाइन है पीयूष पोद्दार जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? मेरी टीम में एसोसिएट है पीयूष पोद्दार जी, ठीक है? अब पीयूष पोद्दार जी को मैं क्या किया, अब जब तक उसमें 100 लोग नहीं आ जाते ना, 100 एक्टिव लोग, तो मेरे को उनके साथ में लग के काम करना है। हम लोग क्या करते हैं पता है, 20-30 लोग उनके डाउनलाइन में आते हैं, एसोसिएट में आते हैं, छोड़ देते हैं, जा बिजनेस कर। आप पूछिए पीयूष जी से जाके, बाकी लोग जाके, मैं आज भी कनेक्ट करता हूँ डेप्थ में जाके, 5% में कितने आए, 8 में कितने आए, लिस्ट भेज मेरे को, उनसे बात कराओ। बहुत लोग मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, ये यहीं से आपका इनकम बढ़ेगा, यहीं से आपका स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, और ये मेरे एसोसिएट्स को भी आज मालूम पड़ा होगा, वो लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे सही बात तो सही है सर,
हमेशा कम से कम 100 एसोसिएट्स के साथ में एक लाइंस में काम करो, इंडिपेंडेंटली छोड़ो मत। बहुत लोग गलती करते हो छोड़ के, बहुत लोग, और बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही डाउनलाइंस के साथ में, टीममेट्स के साथ में एक एक घंटा बात करते हैं, दो दो घंटा बात करते हैं। अरे सर काम कब करोगे, बात नॉर्मली करो, हालचाल पूछो, तबियत पानी पूछो, बिजनेस के तो बात करो, फॉलोअप करो, बिजनेस करने आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट होता है यहाँ पे माइंडसेट ट्रेनिंग। सही लोग, नए लोग को हमेशा रिटेंशन में ये देखो माइंडसेट ट्रेनिंग दो, कि मार्केट में आप जाओगे बहुत लोग निगेटिव भी करेगा, सर मैम आपको सही बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करेगा आपको निगेटिव भी बोलेगा, बहुत लोग क्या बोलेगा, ये ऐसा मैंने किया था, दाढ़ी ऐसे नहीं पका हुआ, वैसे नहीं पका हुआ है, ये फलाना ढिकाना जो भी लोग करेंगे, राइट। तो आपका माइंडसेट ट्रेनिंग भी आपको उनको देना पड़ेगा कि उनको अगर लोग ना बोले तो वो रेडी रहे कि अरे यार 100 में से तो 50 लोग ना बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 2 साल यहाँ टिक गया, उनका वाइब पहले क्लियर हो गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे सर मैम। तो ये होता है माइंडसेट ट्रेनिंग, उनको पहले ही दो, रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन से बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं होने का है। और यहाँ 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अपने एसोसिएट को टीच देम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीच योर एसोसिएट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हम लोग नहीं करते हैं ये चीज। आप जब तक तैयार नहीं, रॉ मटेरियल, मान लो ये पेन है मेरे पास, इसका रॉ मटेरियल होता होगा ये स्टील, प्लास्टिक, अब ये ला के मैं फैक्ट्री में छोड़ दिया तो ये काम का है क्या? काम का नहीं है। वो मैं इसको तैयार किया तब जाके ये पेन है, दिख रहा होगा आप लोगों, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे आप अपने टीममेट्स को रेडी करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाओ, है ना। प्लान चूज के बाद में मनी प्रॉब्लम आ जाए फॉलोअप में तो क्या बोलना है, राइट। कैसे अब पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लोगे यहाँ पे, भाई मैं जॉब करता हूँ, टाइम नहीं है, भाई कंपनी चली गई, तो आप लोग को उसका आंसर आना चाहिए, राइट। तो ये चीज समझाना पड़ेगा, उससे आपका टीम रिटेन होगा, इनकम ग्रेट होगा, अब तब जाके आपका आगे में क्या होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, इनकम भी आपका बढ़ेगा। ये सबसे की पॉइंट है, पिलर है, पिलर डेप्थ का चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे तीसरा आर क्या होता है, रिपर्चेज। मेरे को वेस्टेज में 2 चीज बहुत अच्छा लगता है, पता है क्या, वेस्टेज प्रोडक्ट एंड वेस्टेज रिपर्चेज स्कीम। आप लोग पता नहीं है, आज रिपर्चेज नहीं होता, मान लो कंपनी बोलती है 10,000 से ज्वाइनिंग करो, आप बहुत बड़े नेटवर्कर बन जाते, आप कितना कमा लेते, 10 लाख 20 लाख 25 लाख, उससे ज्यादा नहीं कमा पाते महीने का। आज रिपर्चेज कर करके ना आप क्या बनते, महीने का सिद्धार्थ सर 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ का प्लानिंग है उनका भी महीने का, राइट। वो भी 10 सालों में, 2008 2018 13 साल हो गया, बहुत तो बोलते हैं मैं रिपर्चेस करूं क्यों सर, रिपर्चेस से आपके बिजनेस में स्टेबल बिजनेस होता है आपका, रिपर्चेस आपके बिजनेस को स्टेबल कर, लाइफ टाइम क्या देता है, इनकम देता है आपको। और रिपर्चेस में 5 पॉइंट पे फोकस करना, लिख लो 5 एरिया फोकस करना। आप लोगों को पता है मैं फिर से रियलाइज करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2-3 घंटा मेरा आज टाइम गया इसमें कंटेंट लिखने में, मैंने हर ग्रुप में लिखा ये चीज, सर प्लीज मैम जरूर अटेंड करना इस मीटिंग को। वो आप बहुत बोलते हैं ना सर टीम रिटेन नहीं हो रहा है, टीम रिटेन नहीं हो रहा है, टीम रिटेन होगा ही नहीं तो कैसे आपका इनकम जनरेट होगा लंबा वाला, 1 लाख इनकम कैसे बनेगा, 50,000 कैसे बनेगा, ये कारण है। मैं बता रहा हूँ आपको खुद के 2 साल से एक्सपीरियंस से, मैंने ये चीज बता रहा हूँ कि ये रीजन है यहाँ पे, राइट। अब पांच चीज फोकस करना है रिपर्चेस के एरिया में। पहला होता है कंसिस्टेंसी, प्रमोट कंसिस्टेंसी ऑफर। मैं तो बोलता हूँ 100 PV को प्रमोट करो सर यहाँ पे। आप सोचो पूरे महीने में आप नए नए आए, पूरे महीने में अगर 10 लोग 100 PV का परचेस कर लिया तो आपका कितना वॉल्यूम हो गया, 1,000 का, राइट। तो हमेशा प्रमोट करो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर, उससे नीचे काम मत करवाओ सर मैम। उनको रीजन, उनका बेनिफिट बताओ, कंसिस्टेंसी से क्या बेनिफिट होता है। सेकंड होता है फास्ट स्टार्ट 8%, माई फेवरेट। मैं इसके बिना कोई मीटिंग एंड नहीं करता हूँ, मेरा फेवरेट चीज है। और मैं बोलता हूँ कंपनी आपको सस्ते दिया है ये फास्ट स्टार्ट 8% का। सेकेंडली क्या होता है फास्ट स्टार्ट 8%, और मैं बोलता हूँ मैक्सिमम 7 डेज में खत्म करो इसको करके। मैं तो बोलता हूँ 3 दिन में कंप्लीट कर लो, पॉसिबल है। मान लो एक यहाँ पे चिराग मोदी सर आए यहाँ पे क्या 100 PV से, और अब चाहिए उसको 182 PV, क्योंकि फास्ट स्टार्ट 8% करने के लिए 282 PV चाहिए होता है। तो बैलेंस कितना बचा, 182 PV।
भाई 3 दिन में मेहनत करेंगे साथ में, दो लोग का ज्वाइनिंग करवाएंगे, 300 भी हो गया, फास्ट 8% हो गया। तो दूसरा चीज होता है यहाँ फास्ट 8% इनकम ग्रेड करने के लिए। आप सोचो पूरे महीने में अगर आप 10 लोग को फास्ट 8% बना दिए तो आपका पीवी जनरेट कितना होता है? पूरे महीने में अगर आप 10 लोग को फास्ट 8% कर दिए तो आपका इनकम यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है सोचे हो कभी आप? 2820 2820 पीवी आपका वॉल्यूम हो जाए, राइट? आप थोड़ा दिमाग लगाओ जितने भी लोग हो, ये बहुत बड़ा शस्त्र है फास्ट 8% जो आप लोग इग्नोर करते हो। कंपनी बोलता है कि भाई तू 282 करके 8% पहुंच सकता है, आप कराते हो 600 पीवी 2-3 महीने में, क्या फायदा? वो ब्रॉन्ज एक्टर बनता है बेचारा वो 4-5 महीने में। फास्ट 8% आपका आपके वेस्टीज का पहला लेवल है जब क्लियर करते हो, फास्ट 8% याद रखना। अब 10 लोगों को पूरे महीने में कराओ फास्ट 8% आपका 2820 पीवी का वॉल्यूम हो जाएगा। तीसरा चीज क्या होता है? इवेंट्स। 5 सितंबर को इवेंट है ब्रॉन्ज एंड अबव का, 150 सीट अवेलेबल है। और जितने भी यहाँ टीममेट्स है ना, जितने भी मेरे जो एसोसिएट्स यहाँ पे हैं, प्लीज अपने अपने नाम रजिस्टर करवाओ। सर का मैम मीटिंग में प्रमोट कर दिया अभी, वो इवेंट है, वो इवेंट आप छोड़ दोगे ना सर मैम तो आपका लॉस है। उस इवेंट में ही मेरा सारा सेल्स सारा गूज़बम्स मेरे को चढ़ता है एक्चुअली में। वो इवेंट से ही इनकम पहुंचा लाखों का, बात समझो आप। और इवेंट्स क्या होता है? वैसा इवेंट्स होता है, अभी जो चल रहा है ना वेबिनार, ये भी इवेंट है, डिजिटल इवेंट है। बेसिक ट्रेनिंग होता है, VLC होता है, VIP होता है, सर लोग का ट्रेनिंग होता है। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 309 लोग है, 320 के आसपास थे, 309 लोग यहाँ पे रहे अभी। क्यों? 500 का कैपेसिटी, क्या सर के पूरे एसोसिएशन में क्या हम लोग 500 लोग से ज्यादा लोग नहीं होंगे? पर बहुत तो क्या करते हैं ना, मैसेज डाल के फॉलोअप करते हैं कि भाई आ जाना काम है, वो आते ही नहीं। कॉल करके फॉलोअप कीजिए, ऐसा लाइन लगना चाहिए मीटिंग्स में, हर एक मीटिंग्स में, एक आदमी मीटिंग्स में नहीं, हर एक मीटिंग्स में, कि यहाँ पे उनको बाकी जब नए लोग भी आए ना तो वेटिंग पे दिखाए। चलिए 500 कैपेसिटी था, मैं पहले नहीं आ पाया, तो देखो 502 हो गया, तो मैं 2 वेटिंग दिखा रहा है। भाई कोई छोड़ेगा तो तुम इंटर होगा। वो चीज आपके अंदर में आना चाहिए, वो इवेंट से। आप इवेंट जितना मिस करोगे, जितना मीटिंग्स में कम आओगे, उतना आपका बिजनेस कभी भी आपका इनकम बढ़ेगा नहीं। और ये आपको सोच चाहिए क्या 6000 पीवी हो जाए, LOB आ जाएगा, काम हो जाएगा। वो आएगा कैसे? इससे आएगा, इवेंट से आएगा सर मैम, तो जितना बताया उससे आएगा, ठीक है? इवेंट्स को इग्नोर मत करो यहाँ पे। फोर्थ चीज होता है यहाँ पे रिपर्चेस में, रिपर्चेस कैसे होता है बता रहा हूँ, ठीक है? पहला होता है कंसिस्टेंसी, फास्ट 8%, तीसरा इवेंट्स, चौथा होता है नंबर ऑफ प्लैंचोज। आपका प्लैंचोज बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर इस महीने में 60 प्लैंचो हुआ है आपके थ्रू टोटली, तो नेक्स्ट मंथ में ये 80 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 60 से 50, 30 नहीं होने चाहिए, है ना? अगर ये फॉर्मूला आप लगाना स्टार्ट करो, काउंट करो, ऑडिट करो कितना प्लैंचो हुआ है। आप लोग पता होगा, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स मेरे साथ में जो काम करते हैं, हर एक रात को आप लोग से अपडेट लेता हूँ, है ना? कितना प्लैंचोज हुआ सेल्फ और टीम का अलग अलग बताओ, कितना क्लोजिंग हुआ सेल्फ और अलग का बताओ, कितना आप इन्वाइटिंग की, कितना आपने वीडियोज देखा, कितना आपने फॉलोअप किया अपना और टीम का बताओ मेरे को। और मैं एट द एंड ऑफ द डे ना, पूरे महीने में ना, मैं ऑडिट करता हूँ कि पूरे टीम से इतना ज्यादा प्लैंचोज हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, और इतना प्लैंचो कम क्यों हुआ, मैं ऑडिट करता हूँ लोगों को। अरे एक महीना काम नहीं करेगा, एक साल काम नहीं करेगा, दूसरे साल तो काम करेगा। ये फॉर्मूला, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट? तो ये चीज आपको हुआ नंबर ऑफ प्लान्स। और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिपर्चेज में, यहाँ पे बस, BUS, बस, बस में जाते हो ना, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। बस का मतलब होता है प्रोडक्ट बाय करते हो, यूज करते हो और शेयर करते हो। अगर बस को छोड़ दो तो क्या होगा? मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे सर मैम, राइट? तो ये बस को कभी छोड़ना मत, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आप लोग बस को मिस कर देते हो, इसलिए आपका 1 लाख का 10 लाख का इनकम बनता नहीं, राइट? बस को छोड़ो मत, बाय भी करो घर के लिए, यूज भी करो घर के लिए, और शेयर भी करो यहाँ पे सर मैम। आप लोग बस इसमें आप लोग कमी है, तभी रिपर्चेज हो नहीं पाता है। अरे सपना देखते हो कि वेस्टी देगा ऑडी, वेस्टी देगा 10,000 का इनकम, 1 लाख का इनकम, और यूज करते हो अदर ब्रांड का सर्फ एक्सेल। सॉरी टू यूज दिस नेम, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाबा जी का ब्रांड अब यूज करते हो, क्या मिलेगा? बाबा जी भी सही है, वेस्टीज भी सही है, पर वेस्टीज देता आपको 10 टाइप्स ऑफ इनकम। वेस्टीज यूज कीजिए सर, कंज्यूमर तो बाजार में थे ही, कंज्यूमर तो बाजार में थे सर मैम अपने, वहां पे कुछ मिला है क्या आज तक? खाली दिए हो, यहाँ तो कंपनी आपको 10 टाइप्स का इनकम दे रहा है सर मैम, इसको समझो यहाँ पे। वरना आप आते क्यों यहाँ पे? बहुत लोगों को ट्रैवल फंड अच्छा लगता होगा, बहुत लोग कार्पन अच्छा लगता होगा, ठीक है? चलिए, और मैं आप लोग को एक रूटीन बता रहा हूँ, 8 पॉइंट रूटीन नहीं बता रहा हूँ,
वो भी आपको इनकम को बढ़ाने में काम आएगा, बहुत चीज नया नया आपको समझ में आएगा टॉपिक में। वो यहाँ पे क्या चीज है पता रूटीन में, पहला है प्रोडक्ट को शेयर करना सीखो। मैं रिटेल वर्ड यूज नहीं करता हूँ, शेयर वर्ड यूज करता हूँ। बहुत लोग रिटेलिंग में सोचते हैं कि बेचना पड़ता है, नहीं सर, बेच के सिद्धार्थ सिंह सर का 1 करोड़ का इनकम नहीं हुआ, ना बेच के रवि सर का 10 लाख का इनकम हुआ। किसी का बेच के इतना इनकम नहीं होता है, वो झोला टांग के घर घर में नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। शेयरिंग में क्या होता है, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, बिग वॉल्यूम है। आपको बताऊं ना, लास्ट 20 दिन में कम से कम 4-5 वाटर प्यूरीफायर निकला होगा, 7-8 एयर प्यूरीफायर में निकलवा दिया हूँ टीम से। बता के एक बार वॉल्यूम हाइक हो गया, क्या जाता है, लोग है भाई, ठीक है, ये एक्सपर्ट है, 2-3 लोग एक्सपर्ट है बहुत यहाँ पे। अभी नाम लूंगा तो बहुत लोगों पर मैसेज आएगा कि सर हमें बताओ, है ना, बेचारा वो 18 साल का बच्चा है, मैं हिंट दे दी आप लोगों को, तंग कर देना कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपर्ट हो गया वो निकालने में। तो ये चीज बता रहा हूँ आपको क्या चीज। और हेल्थ सप्लीमेंट्स भी, खाली वाटर एयर प्यूरीफायर नहीं, हेल्थ सप्लीमेंट से भी आपका बड़ा बड़ा वॉल्यूम है। बताओ उनको बेनिफिट्स, शेयर कर दोगे नेक्स्ट मंथ वापस लेंगे, या लोग आपको रेफरेंस दे देंगे। सेकेंडली रूटीन में डालो यहाँ पे वर्क स्पेस। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वर्क स्पेस है मेरा, शांत माहौल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पेन है, डायरी है, वो अच्छा कर रूटीन में डालो उसको। तीसरा चीज यहाँ पे है ट्रेनिंग, अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाओ, अटेंड करवाओ यहाँ पे। बेसिक ट्रेनिंग हो गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, बिजनेस प्लान जो हो गया, 3-way कॉल। मान लीजिए यहाँ पे चिराग यहाँ पे मेरे एसोसिएट में आते हैं, और चिराग किसी को इन्वाइट किए, नए नए लोग ज्वाइन किए, तो 3-way कॉल होगा। चिराग मेरे को भी लेगा और चिराग क्या करेगा, नए लोगों को भी लेगा। 3-way कॉल करो, ट्रायंगल होता है ना, 3-way कॉल, ये 3-way कॉल हमेशा करो नए लोगों के साथ में, तो ये आपका टीम रिटेन होता है और इनकम बढ़ता है। भले 10 मिनट का कॉल करो, बहुत लोग करते नहीं हो, सर वो बिजनेस में ज्वाइन किया था अभी छोड़ दिया, क्यों सर, पता नहीं फोन रिसीव नहीं कर रहा है, यही है कि उसका विजन क्लियर नहीं हुआ, राइट। तो ये 3-way कॉल छोड़ो मत सर यहाँ पे। चौथा चीज आप लोग सबको मिस करते हो, पता है क्या रिसीव यहाँ करते हो यहाँ पे, सिंपल से बता रहा हूँ मैं आपको, 4 चीज, सोशल मीडिया आपका प्रमोशन। आप ये मीटिंग भी हो रही है ना, जो भी लीडर है, न्यू कमर्स है, जो एवरेज है, जो भी लोग यहाँ पे है ना, मीटिंग्स, हर एक मीटिंग्स को प्रमोट करो, स्टोरीज लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, अच्छा अच्छा कैप्शन दो, सुंदर सर हम देख के स्टोरीज लगाओ वहां पे, पोस्ट करो, अपने अपलाइन डाउनलाइन को टैग करो, राइट, टैग भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट डाउनलाइन को टैग करो कि वो भी मोटिवेट हो रही पोस्ट करे, उससे आपको लीड मिलता है। और यहाँ पे 5th चीज बता चुका हूँ, एडिफिकेशन अगेन रूटीन में डालो, हमेशा क्लोजिंग के टाइम में, इनवाइटिंग के टाइम में, प्रेजेंटेशन के टाइम में एडिफाई करो अपने अपलाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट होता है यहाँ पे नॉलेज, नहीं लास्ट, थर्ड लास्ट, नॉलेज होता है, नॉलेज लोगे तो ही पैसा कमाओगे, नॉलेज पावर, नॉलेज मनी। बुक्स पढ़ो, यूट्यूब में हजारों वीडियोज है, मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे LOB निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, लास्ट लॉकडाउन में तो फर्स्ट वेव आया था, उतना ज्यादा वीडियोज अवेलेबल नहीं था यूट्यूब में, पता भी नहीं था। जब मैं क्या एक्सप्लोर किया यूट्यूब को, और जिंदगी में पहली बार मैं यूट्यूब को थैंक यू बोलता हूँ, वहां से 1 लाख बनाना सीख गया मैं। हाँ, ये बात जरूर है ना, वहाँ दिमाग में आप ये डालना कि वहां पे बहुत सारा सही वीडियो भी है, गलत वीडियो भी है, तो अपने अपलाइन से पूछ के वीडियो देखो, या अपलाइन से वीडियो मांगो, जो नए लोग हो ना यहाँ पे, अपलाइन से पूछ के वीडियो मांगो कि सर मुझे एक वीडियो भेजो जिससे मैं सीखूं कुछ, और उसका नोट बनाओ, अपने से जाओ मत। मैं तो क्योंकि लास्ट लॉकडाउन में मैं गोल्ड स्टार डायरेक्टर था, उतना नॉलेज था मेरे को क्या सही वीडियो क्या खराब वीडियो, राइट, तो अपने अपलाइन से पूछ के रेफरेंस लेके वो वीडियो भेज देंगे, उसको देखो, मैं आज ही भेजता हूँ बहुत लोगों को वीडियो कि तू ये देखा कर, राइट। और यहाँ पे 7th होता है top 5 goals, आपके लाइफ का top 5 goals ना आपके सामने लगा रहना चाहिए, इसके लिए भागदौड़ कर रहे हो। और यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है कंसिस्टेंट एक्टिविटीज, ये पता है आपको, लगातार काम करना पड़ेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, लास्ट का जो 15 मिनट है, शायद आपको नया चीज सुनने मिलेगा जितने भी लोगों, और वो इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, मैंने इसको अप्लाई किया है हद तक, और वो कामयाब भी है, याद देखना, लगभग 1 महीने से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कामयाब इसमें हो रहा हूँ पहले दिन से, क्योंकि मेरा नेटवर्क है, जो नए लोग भी आएंगे वो उसको 2-3 महीने का प्रोसेस लगेगा माइंड भी। और सर भी आप सुन रहे हो, इसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, लिख लेना हर कोई, फार्मूला 40, किसको किसको पता है, अगर आप जानना है तो आपको यस टाइप करो, अगर नहीं जानना है तो नो टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना यस आएगा उतना ही बताऊंगा। अभी मोनोपोली का जमाना है, बहुत लोगों को जानना है, राइट। चलिए फार्मूला 40 सबको जानना है यहाँ पे। अभी देखिए सर कितने लोग भूखे हैं, मतलब सबका 1-1 लाख का इनकम बनेगा एटलीस्ट, राइट।
फॉर्मूला 40 क्या होता है लिखना है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए लिखने से पहले एक बार याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला 40 है ना, हमेशा याद रखिएगा, ये फर्स्ट डे से ना आपको 4000 पीवी का काम करवा सकता है। मतलब मान लो 2 सितंबर आ रहा है, रिपर्चेस का टाइम आ रहा है, 2 सितंबर को हम लोग हर एक लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, पहले ही दिन ही आपका 4000 पीवी काम हो सकता है पहले घंटा में। कोई सिल्वर डायरेक्टर है उनको साइट मेंटेनेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगा, सिल्वर गोल्ड जो भी जो साइट करते हैं या करती हैं वो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा इस फॉर्मूला से। मैं जो बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला 40, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको लिख लेना अच्छे से, बहुत काम का चीज है, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो फॉर्मूला 40 है ना, अपने बिजनेस आपके बिजनेस को स्टेबल करेगा मेरे हिसाब से, जो मैं बिजनेस को स्टेबल अभी धीरे धीरे हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला 40। बहुत लोग पता भी नहीं है टीम में, क्योंकि मैं अभी बताया नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो सक्सेसफुल हुआ, मैं अभी मेरे को कहीं से मालूम पड़ा सक्सेसफुल हुआ, तो मैं अब यहाँ लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला 40 रिपर्चेज में भी हेल्प करता है आपको, डे वन सब समझा दोगे तो। लेकिन ये 2-3 महीने का प्रोसेस है, लिख लेना, मैं आगे बताऊंगा। और व्हाट इज फॉर्मूला 40, ये आपको अकेले इनिशिएटिव लेना है सर मैम, या वो क्या करना है, अकेले इनिशिएटिव लेना है, अपने टीम पे मत छोड़ देना। बहुत इजी सा है यार, बहुत इजी सा है सर, यहाँ पे सर मैम जितनी सुन रहे हो मेरे को, फॉर्मूला 40 एकदम इजी है, बट आपको अपने टीम पे नहीं छोड़ना है। मैं छोड़ दूंगा चिराग मोदी पे, कुशल अग्रवाल पे, पीयूष पोद्दार पे, कौशिक पे, हर्ष पे, या आयुष सिंह पे, या श्रिया कुमार पे, किसी पे नहीं करेंगे, वो लोग अलग बात है, लेकिन मैं उसको इनिशिएटिव लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है फॉर्मूला 40, 40 कंज्यूमर या 40 नेटवर्कर आपको 2-3 महीने में बनाना है, 100 पीवी वाला। 40 कंज्यूमर मान लीजिए या नेटवर्कर जो 100 पीवी का कंसिस्टेंसी करते हो, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये होगा आपका 2-3 महीने में। मान लीजिए कोई नया आदमी ज्वाइन किया, उसके तो पहले महीने में इतने नहीं निकलेंगे, मैं उसको आपको थोड़ा ही बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे ये होगा। तो लिखना 40 कंसिस्टेंसी होल्डर्स आपके पास में होने चाहिए फॉर्मूला 40 में, 40 कंसिस्टेंसी एक लाइन में बोल रहा हूँ, एक लाइन में ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रॉन्ज में हो तो ओवरऑल लाइन से आप ले सकते हो, पर अगर आप कोई कोई बन गया डायरेक्टर लीग, मान लो ए है वो डायरेक्टर बन गया, मैं सिल्वर बन गया, तो ए के टीम में भी उतने होने चाहिए, और बाकी जो साइड आपका है बी सी डी ई एफ वहां पे ओवरऑल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टर लेके उसमें कम से कम 40 कंसिस्टेंसी होल्डर होने चाहिए, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करना क्यों है, ये करने से आपका बिजनेस स्टेबल होगा सर मैम। और ये कैसे करेंगे, सिंपल सा है, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास में होगा, राइट, और आपके पास होगा फैम, तो मैं नया नया वर्ड निकाल रहा हूँ अभी, फैम, FAM, फैम, फाइंड एंड मैसेज। बहुत लोग करते हो ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, बहुत लोग कॉल पे करते होंगे, बहुत लोग ऐसे करते होंगे, तुम उसको नाम लिख दिया फैम, फाइंड एंड मैसेज, प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करते हो ना आप लोग बहुत लोग, तो कैसे करोगे सर, इन्वाइट करोगे, सिंपल सा बात है, आपको लोग बिजनेस में कैसे मिलेंगे, अब लिस्ट बिल्डिंग करोगे, इन्वाइट करोगे तो ही मिलेगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने सामने में ये स्टेप लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, ये अब गोल है 90 डेज गोल या 60 डेज गोल, मतलब एक महीना में 30 दिन होता है, तो 3 महीना में 90 दिन होगा, और 2 महीना में कितना होगा, 60 डेज होगा। सर मैम समझिएगा मेरी बात, टाइमों को मत देखो, जगह को देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा मेरा यहाँ गेम क्या है, और एक अगेन रिपीटिंग, ये 2-3 महीने का खेल है। तो 90 डेज आप गोल लिख लीजिए, फर्स्ट 90 डेज या फर्स्ट 60 डेज, ठीक है। मान लीजिए अभी मैं अगस्त है, सेप्टेम्बर अक्टूबर मान लिया मैं, मान लो मैं 2 महीना का लिया, 60 डेज गोल लिया मैं सेप्टेम्बर अक्टूबर, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब आएगा, नवंबर में। अब मैं बताता हूँ सेप्टेम्बर अक्टूबर में क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं अगर 1 महीना में कम से कम 2 प्लान शो करता हूँ, तो महीने में कितना किया, 60, राइट। 3 महीना में कितना होगा, 1 महीना में अगर 60 होगा तो 2 महीने में कितना होगा, 60 डेज में बताइए, 120 प्लान शो होगा, नहीं अगर 2 करता हूँ तो 120 होगा, राइट, समझो मेरा बात। अब बताओ 120 प्लान शो में 2 महीना में 40 लोग हम लोग को नहीं मिलेंगे क्या, अगर ठीक से काम करोगे तो आराम से मिलेगा। और वो भी क्या है, आपके डाउनलाइंस के डाउनलाइंस भी लोग रह सकते हैं, खाली आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं, समझना डेप्थ में समझना, मैं लाया पीयूष जी को, पीयूष लाया किसी और को लेके आए, वो किसी और को लेके आए, वैसे करके 40 कंसिस्टेंसी होल्डर्स आपको क्रिएट करना है, ये वो भी 1 महीने में नहीं, 2 महीने 3 महीने में, ये प्रोसेस है ना। पहले 1-2 महीना आपको नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, 3रे महीने से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा,
और बहुत जो लोग स्पीड से काम करते हैं उसको 60 डेज में मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को 40 कंसिस्टेंसी मिल गए इस महीना में, मैं काम किया सितंबर में, मेरे को एक टीम से, मान लीजिए मैं एक टीम से मेरे को 40 कंसिस्टेंसी होल्डर मिल गए, ठीक है। अब अक्टूबर महीना आया, अक्टूबर में क्या होगा, और नए 40 मेरे को कंसिस्टेंसी अचीवर मिलेंगे, और जो सितंबर मंथ के जो ओल्ड लीडर्स थे वो क्या करेंगे, रिपर्चेस करेंगे, करेंगे रिपर्चेस। अब रिपर्चेस हम लोग कब करते हैं, 2 तारीख को, हर एक 2 तारीख को माइंड में फिट कर लो, जहां भी माइंड जाता है कि 2 तारीख को अपने हम लोग को रिपर्चेस करना है 100 PV से। अगर 100 PV नहीं कर रहे हो, आप जल्दी से यहाँ पे लाखों का इनकम नहीं कर सकते हो सर। अगर 30 PV करते हो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है सर, 70 PV का प्रोडक्ट शेयर कर दो ना, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप क्यों अपना 2500 का वाउचर छोड़ रहे हो, हर महीना 1 रुपया देके एक प्रोडक्ट छोड़ रहे हो, है ना। बहुत लोगों को तो 5 रुपया देके 5 प्रोडक्ट मिल जाता है, 5 साबुन मिल गया, 2 शैम्पू मिल गया, अल्ट्रासाउंड का भी मिल जाता है कभी कभी, 500 का प्रोडक्ट भी फ्री मिलता है कभी कभी, वो फॉर्म फेशियल जो अभी नेचुरल का नेचुरल प्रोडक्ट्स का निकला हुआ है, आप देखना 300-400 का प्रोडक्ट वो है, वो मिस अप कर देते हो, सोचो कितना बेनिफिट है। तो यहाँ पे सर वो चीज़ करना है यहाँ पे। अब बताओ अक्टूबर में अगर पहले दिन, और टाइम सेट कर दो आप कंसिस्टेंसी 12 बजे के पहले आप सबको करना है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं हम लोग, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी कर लेना। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा ब्लंडर यही है, सबसे बड़ा ब्लंडर यही है मेरे अकॉर्डिंगली। आप बोलिए 12 बजे के पहले सबका हो जाना चाहिए, इससे पता क्या होगा, जहां 2 तारीख को दिन भर में लोग करते हैं कंसिस्टेंसी ना आराम से, उनके पास बचा 29 दिन नेटवर्क को बिल्डअप करने की, वो भी चीज सही चीज है। लेकिन अगर 12 बजे की 11 बजे के पहले अर्ली मॉर्निंग कंसिस्टेंसी डाल देते हो, तो आपका 30 दिन आपके हाथ में रहता है नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। पहला दिन भी वेस्ट नहीं हुआ आपका, पहले दिन से भागोगे दौड़ोगे। और क्या हुआ, जो 40 कंसिस्टेंसी होल्डर अब रखे, जो सेप्टेम्बर मंथ के लोग अक्टूबर मंथ में रिपर्चेस किए, तो 1 घंटा में 4000 PV काम हो गया। 40 कंसिस्टेंसी होल्डर इंटू 100 PV, 4000 PV का 1 घंटा में दिख जाएगा आपको, 2 तरीके दिखेगा, यहाँ बैठे होंगे, 4000 PV तो ऐसे ही आ गया। अब सोचो कोई सिल्वर डायरेक्टर होगा, कोई होगा सिल्वर डायरेक्टर, मेरा बात बहुत ध्यान सुनना, नोट बनाना। सिल्वर डायरेक्टर कब बनते हैं, जब आपके नीचे में एक आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है, दैट इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ठीक है। अगर वो भी उसके पास भी 40 होल्डर होंगे कंसिस्टेंसी करने वाले, तो पहले दिन में उसका कितना PV हो जाएगा सर, मैम 4000। बाकी 30 दिन में वो LOB निकाल सकता है, आप निकाल सकते हो, समझो मेरा बात। LOB सबसे बड़ा इनकम है, 70% ऑफ द चेक LOB है। LOB क्या है, मिनिमम 5625 PV। LOB से 10-12 हज़ार का चेक जंप कर जाता है आपका कम से कम, राइट। और LOB पॉइंट ज्यादा हो, एक टाइम में 2.5 रुपया भी था नेक्स्ट वर्ड में, बहुत लोगों को पता नहीं ये चीज, ऊपर नीचे होता है वॉल्यूम और टर्नओवर के हिसाब से। आप देखोगे आपका 15 हज़ार भी बढ़ सकता है, 16 हज़ार भी बढ़ सकता है, आपको आइडिया नहीं है। सिल्वर डायरेक्टर में मेरा हाईएस्ट इनकम 53,000 गया था, हाईएस्ट इनकम सर मैम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, वैसा वहां पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर सिल्वर डायरेक्टर पे अगर पहले दिन में आपका ए टीम जो डायरेक्टर है उसको 4000 PV हो गया, और साइड में कितना आपको करना होता है 1801, अगर आप BCDEF उस लेख से आप 40 कंसिस्टेंसी निकाल दो, साइड कितना हो जाएगा सोचो, 4000 PV, चेक कितने का बन जाएगा आपका, पता ही है ना आप। तो ये याद रखना, अगर ये प्रोसेस पे आप काम करते हो ना, 40 कंसिस्टेंसी आपको ये करने मिल जाए ना, तो 2 महीना के बाद में आपका चेक 10 से 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप बिटवीन बता रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला पे आप काम करते हो ना, 2 महीने के बाद में आपका चेक, क्योंकि देखो अगर 4000 PV हो रहा है, आप 4000 PV से ब्रॉन्ज सेक्टर बन रहे हो, राइट। तो ये करते करते तो आपका चेक कितना बन जाएगा कम से कम, आप इमेजिन करो, जिसको कैलकुलेशन पता होगा उसको पता होगा ये चीज़, राइट। ये चीज़ अप्लाई करना है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद मेरा यहाँ पे वो चले, यहाँ पे देखता हूँ मैं यहाँ पे एक चीज अपलोड कर रहा हूँ, मेरा ये ड्रॉ नहीं हो रहा, पता नहीं ये, एक मिनट सर, जस्ट ए मिनट सर, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं है शायद, पीयूष जी आप वो यहाँ पे वो लिख सकते हो क्या उधर सर, जल्दी से, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। नो सर, नहीं लिख सकते, होस्ट के पास ऑप्शन सर। आप मेरे को एक बार होस्ट ना दो ना सर, मेरे को आप एक बार, ओके 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 ओके
मैं आप लोग को एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको एकदम समझ लेना और लिख लेना उसको, तो स्ट्रक्चर से आपको वही होगा। शुभम जी सर, आपको क्या करेगा? होस्ट सर, होस्ट ना दो सर, एक बार मेरे को होस्ट कर देगा। जी जी सर, तो मेरा को होस्ट बना देना, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। राइट राइट सर, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आपको बना दिया सर को होस्ट। करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू सर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सर, मेरे साथ भी हो जाएगा ये, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ है। चलिए पीयूष, अभी आप कर लोगे क्या? मैं आपको होस्ट ना दो पीयूष, अभी देख लो, मेरे को कोच ना दो खाली आप। सर वो वेबसाइट से ऑफ किया होगा एनोटेशन का ऑप्शन। राइट राइट राइट, वो ऑफ है शायद। चलिए वो ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को लिख लेना आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को लिख लेना। देखो ब्रॉन्ज रिएक्टर हम लोग क्या मिनिमम एक महीने में 2000 एक्यूवी होता है, राइट? तो हम लोग को वैसा पैसा आता है 5500 पीवी करते हैं। अभी जो लास्ट का जो 10 मिनट है ना सर, मैम आप प्लीज गौर से सुनना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हड़बड़ी का, जो टिक गए समझ गए समझ गए, क्योंकि फॉर्मूला 40 में अप्लाई करने वाला हूँ, और आपको बताता हूँ कितने रुपये आप कमा सकते हो, ठीक है? और इमेजिनेशन नहीं है ये, हकीकत बता रहा हूँ, मैं इस पर बहुत टाइम काम किया हूँ, कहीं से मुझे पता चला था तो मुझे अच्छा लगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत पैसा कमाया हूँ उसमें, ठीक है? समझिएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, यहाँ पे 5500 पीवी करते हो एक्यूमुलेट होके, तो आप बीडी बनते हो। कंपनी क्या बोलती है, एक महीने में अगर 2000 एक पीवी मिनिमम होता है तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो, राइट? जिसको पता नहीं अपना अप्लाइंग से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा सारे लीडर से कि पहले ही दिन आप बेसिक ट्रेनिंग में बता दिया करो सब चीज, ताकि जो मीटिंग हो तो उनको बाउंस नहीं करे। नए लोग आते, मैं बता देता हूँ, मैं तो ये साइड वॉल्यूम ये होता है, ये होता है टिल क्राउन तक, तो बनो क्राउन, कोई दिक्कत नहीं, जितना क्राउन बनोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ, अगर 6000 से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, अब मान लो श्याम है यहाँ पे 2001 पीवी किया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, और घनश्याम है वो किया 6000 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, ज्यादा पैसा कौन कमाएगा सर? मैम जल्दी बताइए, ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? घनश्याम के श्याम, ए और बी, पहला वाला दूसरा वाला, बी, सब बी बनेगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा पैसा, सिंपल सा बात है, ये आप सब जानते हो। अब देखो मान लो सिल्वर डायरेक्टर बन रहे हो आप, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा फॉर पता नहीं क्यों, रीजन कुछ होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि अब जैसे आप यहाँ पे जाते हो, आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो, मींस आपका एक लेग डायरेक्टर बन गया, मान लो ए बन गया डायरेक्टर, ए को 6000 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाओ, अगर फॉर्मूला 40 अप्लाई करोगे ना आप ए बनेगा ही बनेगा 6000 पीवी से यहाँ पे, या एलओ, उसको बोलते हैं एलओबी, 5625 मिनिमम को बोलते हैं एलओबी, कम से कम 5625 पीवी होना चाहिए। और साइड में मान लो आपका 4 लेग है, बी सी डी, 3 लेग है या ई, मान लीजिए आप 4-5 लेग पे काम कर रहे हो, 6 लेग पे कंपनी बोलता है, मैं कम से कम ये बात बता रहा हूँ, और बाकी लेग सब कर ली 2500 पीवी, तो आपका अच्छे कितने का बनेगा सोचो। मैं बस 2500 बता रहा हूँ नॉर्मली, अगर कंपनी बोलता है 1800 ए करने के लिए, अगर आप फॉर्मूला 40 लगा दिए आप सर मैम, फॉर्मूला 40 लगा दिए, तो ए जो डायरेक्टर लेग हटा के बाकी लेग से ना आपका 4000 पीवी का काम होगा, आपका चाहे कम से कम 20000 के आसपास रहेगा सिल्वर डायरेक्टर पे, कम से कम, जी आराम से सर, कम से कम रहेगा वहां। मैं अपने टीम को बेसिकली गोल्ड स्टार तक मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, मैं सर बताऊँ तो मैं क्राउन तक बता देता हूँ कैसे पैसा कमाना है, बेस में, ज्यादा डेप्थ में जाता नहीं, इतना कर ले इतना पैसा मिल जाए, सिंपल सा बात, ठीक है? तो फॉर्मूला 40 आप अप्लाई करोगे ना यहाँ पे, अब 2-3 महीने आप देखोगे आपका टीम बहुत भागेगा, लेकिन उसमें अगर आप फास्ट स्टार्ट 8% भी साथ में काम करो, फास्ट स्टार्ट 8% भी आप फोकस करोगे ना साथ में, तो आपका बिजनेस ज्यादा डबल होगा। अब सोचो फॉर्मूला 40 में आप फास्ट स्टार्ट निकालना स्टार्ट कर दिए, तो बिजनेस कितना डबल होगा आपका? अगर आप 20 लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% करवा दिए पूरे महीने में, तो 5640 का वॉल्यूम होता है सर, 5640। अगर 16 लोगों करवा दिए आप, तो क्या बन जाते हो आप? फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ठीक है? ये बता रहा हूँ, और याद रखना यहाँ पे डे वन से अगर फॉर्मूला 40 पे आप काम करते हो तो आपका इनकम इंक्रीज करेगा। अब दूसरा आपको यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पे, पर मैं कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, समझिएगा यहाँ पे ड्रॉ में मुझे करना पड़ेगा। पीयूष आप ड्रॉ आप बता सकते हो क्या, कोई ड्रॉ करके लैपटॉप पे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आया बोल के बाउंस करेगा वो। पीयूष सर डायरेक्टर बन गया है, 2 लाइन डायरेक्टर बनेगा,
दो लाइन आपका डायरेक्टर बनेगा अगर, तो आप क्या बनते हो? गोल्ड बनते हो, राइट? समझिए मेरी कॉन्सेप्ट, समझिए खाली। और साइड में कितना लाइन है? चार लाइन और है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आदमी है ये क्या है? ए है। इसके नीचे कौन है? बी है, राइट। और इसके नीचे कौन है? सी है। सर मैम समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी है ना वो ब्रॉन्ज रिएक्टर है, और 6000 वॉल्यूम से ब्रॉन्ज रिएक्टर बना, ये बहुत डेप्थ वाला चीज है ये, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बहुत डेप्थ वाला चीज है, आप समझ जाओगे। फॉर्मूला 14 ना तो आपको पता भी नहीं, आप गोल्ड डायरेक्टर में 70-80 रुपए महीना कमा रहे होगे। कुशल अग्रवाल है, उसको महीना था गोल्ड डायरेक्टर पे 87,000, और वो बाई फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ था, मेहनत करके हम लोग कैलकुलेशन करके उसका इनकम बनाए थे। वो प्रेजेंट होगा तो उसको पता होगा ये बात। बहुत लोग तुक्का में बन जाता, तुक्का में नहीं बना सर मैम यहाँ पे, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अब सी अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो बी क्या बनेगा? सिल्वर डायरेक्टर बनेगा ये। इसका वॉल्यूम अप कर दो यहाँ पे 2500 पीवी, ये भी सिल्वर डायरेक्टर होगा, इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 2500 पीवी। ऐसे ये भी होगा डी, ठीक है। डी के नीचे कौन होगा? ई होगा। ई के नीचे कौन होगा? एफ होगा, राइट। अब जो ये एफ है ना यहाँ पे, एफ एफ क्या होगा? यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा सर मैम, और ये भी 6000 से बीडी बनेगा। और ये कौन? जो ई होगा इसका अपलाइन, वो बनेगा सिल्वर डायरेक्टर, और इसका साइड होगा 2500 पीवी, राइट। और जो यहाँ पे जो डी है, डी वो डी भी क्या होगा? यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर होगा, उसका साइड कितना होगा? 2500 पीवी, राइट। और साइड वॉल्यूम से मान लीजिए आप कर लिए यहाँ पे लगभग, मान लीजिए कितना कर लिए यहाँ पे? 1801 कर लिए। गोल्ड में चाहिए होगा तो 1501 आपने कर लिया मिनिमम, 1801 कर लिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये 1801 कर लिया आपने साइड से, ये साइड वॉल्यूम होता है। ए लाइन और बी लाइन डायरेक्टर छोड़ के आप बन जाते हो गोल्ड डायरेक्टर, ये समझना खाली यहाँ पे, और कुछ समझने दरकार नहीं है, ठीक है। आपका चेक यहाँ पे कितना बनेगा पता है? लगभग आपका चेक यहाँ बनेगा 50,000 के आसपास, खाली ये स्ट्रक्चर से। सर प्रवीण सर सही बोल रहा हूँ ना? यस यस। आपका चेक यहाँ बनता है लगभग 50,000 का आपका इनकम बनेगा यहाँ। देखो बिजनेस में आप आए हो ना तो कोशिश करो, यहाँ पे जितने भी 10% अबव है पहले दिन 10% पहुंचते ही अपने अप्लाइंग को तंग करो कैलकुलेशन सिखाने के लिए। माफ करना जितने भी अप्लाइंग जिसके भी है, पर ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे लंबा खेलना है। तो आप 1 तारीख को डिसाइड कर लो कि इस मंथ में कितना कमाना, इफ यू नो कैलकुलेशंस, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक फंडा समझा रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से मैं देखता हूँ आपको वो चीज फंडा समझना है यहाँ पे। फॉर्मूला 40 होता क्या है, ठीक है। अगर सोचो सर मैम यहाँ पे, अगर ये आदमी, अगर यहाँ पे जो 1801 पीवी हुआ है यहाँ पे, अगर ये 1800 पीवी की अगर फॉर्मूला 40 ये अप्लाई करे, F40 मतलब फॉर्मूला 40, तो यहाँ पे 4000 पीवी का काम हो जाएगा भाई। चार ये सी डी ई एफ, ये चार लिक्स में से आपको क्या 40 कंसिस्टेंसी होल्डर नहीं मिलेगा आपको? वो 2-4 महीने में आराम से मिलेगा सर, मेहनत करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ए है ये क्या 2500 पीवी, अगर यहाँ 4000 हो जाए फॉर्मूला 40 से, यहाँ पे 4000 पीवी हो जाए, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 4000 हो जाए, यहाँ पे 4000 हो जाए सर मैम, समझ रहे मेरा बात? आपका चेक कितना पहुंच जाएगा? 70,000 तो कहीं नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला 40 आप अप्लाई करोगे ना, ग्राउंड लेवल पे 3-4 लाख रुपए मिनिमम कहीं नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करी बता रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, है ना। तो ये चीज आप अप्लाई करो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो ही आपका काम यहाँ पे हो पाएगा, राइट। तो मैं आपको बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए यहाँ पे, खाली एग्जाम्पल कि फॉर्मूला 40 आप लगाते हो, 2-3 महीना आप चेक नहीं बनने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस फॉर्मूला पे काम कर रहा हूँ, देखो किस तरह 5-6 महीना पे 4-5 लाख कमाता हूँ। मिलेंगे लोग, आराम से काम होगा। यहाँ पीयूष पुजार जी एक्साइटेड है, पूरा नाखून चाप रहे हैं पूरा तेजी से कि भाई इतना रुपया मिल जाए 3 महीना में। कोशिश ये करो मुझे एक लाइन से, या मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे डायरेक्टर बनना है तो मेरे पूरे लाइन से जो 4 लेग पे काम करो या 6 लेग पे काम करो, मुझे 40 कंसिस्टेंसी होल्डर लेना है। जैसे एक लाइन बन जाएगा, एक डायरेक्टर बन गया, तो उससे 40 कंसिस्टेंसी होल्डर चाहिए, और बाकी से भी मिला के चाहिए। बी भी डायरेक्टर बन गया तो उससे भी 40 कंसिस्टेंसी होल्डर चाहिए, वो एलओबी आराम से लेंगे और देंगे भी आप, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना इस प्लेटफॉर्म पे 2 लोग आते हैं,
आपको एक होते थिंकर, एक होते डूअर, आपको डूअर बनना है सर। मैं डूअर हूँ, सोचता नहीं हूँ, ये अप्लाई किया है तो ही चेक बनना है। मैं जानता हूँ डूअर हूँ और मुझे आगे मुझे पता है मेरा 4-5 लाख इनकम कैसे बनेगा और बस वो प्रोसेस है। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा भाई बोलता बहुत ज्यादा, 5 लाख का इनकम दिखता नहीं है सर। 5 लाख का इनकम एक दिन में नहीं बनेगा, ये भी याद रखना, वो प्रोसेस है। कब फटाक से देखोगे 10 तारीख को 5 लाख का इनकम पहुंच जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, 4 लाख आएगा, 2 लाख आया, 3 लाख आएगा सर मैम, है ना। वैसे आपका ये प्रोसेस आप अप्लाई करते हो ना और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, मेरे को तो काम कर रहा है ये, राइट। तो ये चीज के लिए आप मीटिंग था यहाँ पे, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू प्रवीण सर यहाँ पे। अगर बोर्ड होता तो मैं समझा पाता बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच सर।